आज राम रहीम की सजा का ऐलान होगा। आपको बता दें कि पत्रकार हत्याकांड मामले में आज सीबीआई कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। दोषी करार दिया गया है राम रहीम, और इसी के चलते जगह जगह हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद वहां पर पूरे कर लिए गए हैं। हमारे इस संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंचकुला से, उनसे जानते हैं किस तरह की चीजें जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से अन्य मामले में रेप केस मामले में जो सजा सुनाई गई थी राम रहीम को, उसको चलते बहुत बवाल मचा था। जो अनुयायी थे राम रहीम के, उन्होंने बहुत हंगामा काटा था। इसके चलते आज जान लेते हैं क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर अनिल के पास जाएंगे। अनिल, क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है? ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर में जगह जगह नाके लगाए गए हैं और जेल जी परिसर के चारों तरफ जवान तैनात किए गए हैं, और शहर में धारा 144 भी लगाई गई है, और जी पूरी तरह सतर्क है। और जब तक फैसला नहीं आता, जवान पूरी तरह सतर्क रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। क्योंकि जब 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराया था, तो जमकर पंचकुला में उपद्रव हुआ था। इसके जी अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हुआ था। उससे सबक लेते हुए पुलिस जी प्रशासन बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहेगा और पूरी जी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की चूक नहीं होने देगा। अच्छी जी अनिल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सीधा सिरसा चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता सतनाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतनाम, क्या सूरत हालात आप देख पा रहे हैं सिरसा के? देखिए, अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में जो हालात हैं बिल्कुल सामान्य हैं। फैसले का आज दिन है और इसी फैसले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। जिस जिला के जो डीएसपी रविंदर तोमर है, वो जो सभी नाके लगाए गए हैं उनका जायजा ले रहे हैं। अगर बात करें जिला डिप्टी कमिश्नर प्रभजोत सिंह की, तो उन्होंने एहतियात के तौर पर 2 दिन के लिए जो डेरा के स्कूल हैं उनको बंद करने के निर्देश जारी किया है। 2 दिन जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो 14 कंपनियां हैं पुलिस फोर्स की, जो तमाम नाकों पर जो तैनात की गई हैं। सिरसा की जी अगर बात करें तो सिरसा में जो हालात सामान्य है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतनाम, तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए खबर पर, अपनी नजर बनाए रखिए।